भी क्या दूँ, मैं इतना गरीब हो चुका हूँ कि मैंने, मेरे पास पहले इतना पैसा था लेकिन मेरे को पता ही नहीं मैंने कौन से, मेरे को उन कंपनीज में मैंने इन्वेस्ट कर दिया जिनकी मेरे को कोई समझ नहीं थी, और मेरा सारा पैसा गया। मेरे को मेरा बंगला भी बेचना पड़ गया पैसे के लिए, और मैं आज जैसे घर में रह रहा हूँ जिधर कोई रूफ भी नहीं है, बारिश में सोना पड़ता है मेरे को, मेरा पूरा बिस्तर गीला हो चुका है, सोऊंगा कैसे मैं। तो मैं तो अभी फिशिंग करता हूँ और बस 4 एमरल्ड है मेरे पास, और कभी कभी ब्रेड खाने के लिए मिल जाता है, और वो सामने का घर है ये वाला, इधर मेरा गधा पार्क रहता है जिधर से, ये देखो ये मेरा गधा है, इसका नाम है हरी चंद, ओ हरी चंद, चलो हमको फिशिंग करने जाना है, चलो हरी। हाँ ये मेरा, मैंने इन घर साहब के घर पे अपना हरिचंद को पार्क करके लिए मैं 1 एमरल्ड लेता हूँ उनको महीने का। अभी मैं इधर ये, अरे हरिचंद के बिरादरी का एक और कोई तो सदस्य है, हम लोग अभी जल्दी से इधर फिशिंग करते हैं, कुछ मछली आएंगी उससे हम बेच के कुछ पैसा कमा लेंगे। मछली आ रही है, यह तो मछली भी नहीं है, इसका तो 1 एमरल्ड भी नहीं मिलेगा। और मेरे को वो जो, और वो हमारे साहब तो घर बेच रहा है अपना, अगर वो घर बेच दिया और किसी ने मेरे को परमिशन नहीं दी अपने हरिचंद को उधर पार्क करने की, तो मेरा क्या होगा, मैं अपने हरिचंद को किधर रखूंगा। तो मेरे को वो घर खरीदना है, क्योंकि मेरा घर तो एकदम, मतलब उसको तो रूफ ही नहीं है, और वो प्लैंक से बना है, अगर एक आग लगी और मेरा घर पूरा खत्म। तो मेरे को अभी वो घर खरीदना है लेकिन मेरे पास पैसा ही नहीं है, तो मैं सोच रहा था कि हम जरा, बैंक है इधर तो हम बैंक से एक कुछ लोन लेंगे, और ये साहब उसको 3 स्टैक एमरल्ड्स में बेच रहे हैं इस घर को, और ये घर बहुत अच्छा है, मैं आपको दिखाता हूँ अंदर से, मैं जा सकता हूँ मतलब अंदर, इतने तो मेरे को परमिशन दे के रखी है साहब ने, मैं आपको दिखा सकता हूँ। और इधर खरीदार भी मैं देख रहा हूँ, ये देखो इधर नीचे क्राफ्टिंग टेबल है, फर्नेस है जिसके अंदर कोयला नहीं है, इधर भी है सारी चीज, और ये किंग साइज का बेड है, ओ सॉरी सोना नहीं है, यही है अभी, लेकिन इसके साहब 3 स्टैक एमरल्ड्स मांग रहे हैं। चलो अभी देखते हैं, मैं हरिचंद को इधर ही रखता हूँ, और पीछे बैंक है, लेकिन पहले मैं सो जाता हूँ अपने घर पे जाके, और कल हम लोग बैंक जाएंगे, देखते हैं लोन मिलेगा कि नहीं और कितने एमरल्ड्स का लोन मिलेगा हमको। अभी सो जाते हैं, चलो अभी लोन लेने चलते हैं, वो आपको पीछे बैंक दिख रहा होगा, वो रहा बैंक, और पीछे वो बेडरॉक का जो आपको एक रूम दिख रहा है वो है पूरा का पूरा वॉल्ट, जिसको कोई तोड़ ही नहीं सकता क्योंकि वो बेडरॉक से बना हुआ है, और ये है बैंक की एंट्रेंस। अंदर चलते हैं, 4 4 एम्प्लॉयज है इधर, मैं पहले वाले से बात करता हूँ। फॉर लोन वी कैन गिव यू 128 एमरल्ड्स लोन, भाई ये लोग तो सिर्फ 128 दे रहे हैं, मतलब 2 स्टैक्स, हमको तो 3 स्टैक्स चाहिए, 1 स्टैक का किधर से इंतजाम करेंगे, चलो 2 स्टैक का तो लोन लेता हूँ। ओके मेरे को 2 स्टैक मिल चुके हैं, अभी ज़रा अमीरों वाली दुकान है, लेकिन ये तो लोन के बाद में भरने भी तो है ये, और बाकी क्या मेरे को हेल्प तो वैसे भी नहीं कर सकते, भाई अंदर तो बहुत तगड़ा गार्ड है भाई साहब, लेकिन अभी करेंगे भी तो क्या, 2 स्टैक में तो होगा नहीं अपना, 2 स्टैक एमरल्ड्स में साहब, मतलब अभी वैकेशन पे गए हैं, सो मैं उनसे बात भी नहीं कर सकता कि 2 स्टैक में कुछ हो सकता है कि नहीं, माइनक्राफ्ट में फ़ोन होना चाहिए था, मैं कॉल करके बात कर लेता, लेकिन वो भी बाहर गए। ये मच्छियाँ बेच के भी इतना कुछ पैसा नहीं आने वाला,
नेदर से क्या ही मिल जाएगा, भूख भी नहीं लगी, अच्छा है खाना वेस्ट नहीं हो रहा। मेरे को लग रहा है इधर चोरी करनी पड़ेगी, लेकिन भाई इधर तो ना गार्ड भी बहुत डेंजर वाला लगा रखा है इन लोगों ने। और ये तो बेड रॉक है, इसको तो नेदरराइट की पिकैक्स भी ले ले, टूटने तो वाला नहीं है ये। फिर हम लोग चोरी करेंगे कैसे, रुको मैं बैंक के अंदर चलता हूँ। और उधर बटन लगा था क्या, बटन लगा, बटन लगा है, वो लोग उधर देख रहे हैं। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। ये गार्ड पूछ रहा है, हु आर यू, यू कांट कम इन, गो आउट राइट नाउ। नहीं नहीं मैं नहीं जा रहा भाई, मेरे को मार दिया भाई, इसने मेरे को मार दिया भाई। मेरे को अपना सामान चाहिए, सामान 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 भाई, मेरा लोन, 2 स्टैक एमरल्ड्स है, मेरी मच्छियाँ, मेरी फिशिंग रॉड। फिशिंग रॉड के बिना तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, और 2 स्टैक का कर्ज भी, अगर वो नहीं मिला तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। जल्दी 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 अंदर चलो। सर 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 मैं सॉरी सॉरी, मैं गलती से अंदर चला गया था, सॉरी 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 सॉरी। मैं लेके जा रहे जा रहे जा रहे जा रहे हाँ, जाता हूँ जाता हूँ जाता हूँ जाता हूँ जाता हूँ, एक सेकेंड एक रुको। ओ भाई सॉरी सॉरी सॉरी, जाता हूँ मैं, जाता हूँ जाता हूँ जाता हूँ, अभी जाता हूँ जाता जाता हूँ। ये रहा बटन, दोनों खुल गया, ओ दोनों खुल रहे, चलो चलो चलो। यार ये तो बहुत गंदा वे भाई, मैं तो ऐसे मार देगा मेरे को, इस बार मेरे को छोड़ दिया भाई, अच्छा हो गया, नहीं तो पुलिस बुला के तो भाई इधर बहुत गंदा मारते हैं। लेकिन अभी मैं क्या करूँ, मेरे को ये घर तो कुछ भी करके खरीदना है। अगर मेरे को ये घर खरीदना है तो मेरे को चाहिए हो गए और 1 स्टैक एमरल्ड्स, 1 स्टैक तो नहीं लेकिन मैं 1 स्टैक का ही लूँगा, 4 मेरे खुद के लिए। लेकिन और मेरे को अभी आज का हफ्ता भी रहना है इस महीने का, डेरी रख देता हूँ 1 एमराल्ड। ये किधर गया है, इधर, लेकिन इधर देना पड़ेगा मेरे को 1 एमराल्ड। ओके बाय। मैं लेकिन अभी क्या करूँ, कुछ कर भी तो नहीं सकता, लोन तो चाहिए, 1 स्टैक एमराल्ड का से लूँगा। ये क्या है, ये केव है, लेकिन इधर कुछ नहीं है। मैं सोच रहा हूँ कुछ देर फिशिंग कर लेते हैं, अगर कोई अच्छी चीज मिल जाए तो। पफर फिश के यहाँ पर बहुत अच्छे दाम मिल जाते हैं, देखते हैं पफर फिश मिलेगी कि नहीं। भाई मच्छी तो आ जा, मच्छी भी नहीं आ रही, और ये आ गई आ गई आ गई, लिली पैड। यार इसका भी कुछ पैसे नहीं मिलेंगे, लेदर जैसे ही फालतू है ये। आ गया कुछ, आ गया, ओ पफर फिश मिल गई भाई, पफर फिश। बस इसको खाना नहीं है, नहीं तो मैं तो मर ही जाऊंगा, क्योंकि ये बहुत डेंजर होती है। इसको क्या क्या बनाने में यूज करते हैं लोग, मेरे पास तो घर में चेस्ट भी नहीं है, इतना गरीब हूँ मैं। अभी क्या करूँ, इसको बेचना है, लेकिन मार्केट जाने के लिए तो बहुत दूर है, और ये गधे पे तो मैं जा पाऊंगा, हरिचंद पे क्या चलेगा, नहीं ये तो वैसे भी नहीं चलेगा। लेकिन मैं अभी ना इसके चेस्ट में रख देता हूँ चीज़ें जो कुछ अच्छी है। मैं हरिचंद के ऊपर मेरे 1 स्टैक चीज़ें रख के जा रहा हूँ भाई, अच्छे से रखना हरिचंद। और वो यार ये एमराल्ड सांप का है, चलो थैंक यू, इधर डाल देता हूँ मैं। हरिचंद भी बहुत ज्यादा कीमती है, क्योंकि उसके ऊपर मेरे 2 स्टैक एमराल्ड्स है, 2 स्टैक और पफर फिश, जो मेरे को 10 एमराल्ड में तो मेरी बिकी जाएगी वो। लेकिन अभी मार्केट जाऊंगा कैसे, अगर मैं आज निकलूंगा तो मैं कल
पहुंचूंगा मेरे को लगता है। तो यार चलन तो, अरे ये कौन है ये एमराल्ड? मेरे कुछ अच्छी ट्रेड देता ही है कभी कभी। जल्दी भाई क्या दे रहे तू? मेरे पास एमराल्ड तो पड़े हैं। ये सी पिकल है ना भाई? सी पिकल, इसके ढूंढने के लिए तो कितना दूर जाना पड़ता है। ग्लोस्टोन, ग्लोस्टोन तो सिर्फ नेदर में मिलता है भाई। मेरे को दोस्त मेरे को लेना पड़ेगा भाई। थोड़े एमराल्ड्स निकालता हूँ, इससे चीजें लेता हूँ। अरे गधे चंद, मतलब हीरा चंद इसका नाम, लेकिन जो भी है। चलो एक स्टैक निकाल लेता हूँ, इसके अच्छे दाम मिल जाएंगे कि भाई ये सस्ते में दे रहा है। अगर मैं ग्लोस्टोन बेचूंगा तो मेरे को 12 तो एमराल्ड्स मिल ही जाएंगे, 12 एमराल्ड्स तो मिल ही जाएंगे। रुक 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 रुक, मैं 2 ले लेता हूँ और सी पिकल्स मैं 3 लूंगा। और ये भाई ब्लू आइस ये ज़्यादा लेने पड़ेगा, 5-5 ओपी। अब मैं हो जाऊंगा अमीर। एक्सपी आ जा, आ जा भाई नीरी। तो अभी मेरे पास चीज़ें तो बहुत सारी हो गई है, लेकिन पैसे तो कुछ ज़्यादा ही कम है। मेरे ब्लू आइस के तो बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे, ये 6 में दे रहा है, तो इसकी प्राइस 20 तो हो ही जाएगी। टोटल अगर मैं इसका लूँगा, एक स्टैक तो हो ही जाएगा भाई 5 ब्लू आइस के अंदर। और हीरा चंद मेरे को इसके ऊपर बैठना है। और अभी ये ज़रा कीमती सामान है, इसको अंदर डाल लेता हूँ। अभी यार मेरे को चलना पड़ेगा, इधर से चलता हूँ अभी तो मैं अपने घर पे। मेरा घर देखो कितना गरीब खाना है पूरा। तो अभी मैं अंदर चलता हूँ अभी तो पहले। तो यार नेक्स्ट एपिसोड में हमको ना मार्केट जाना है और ये सारा सामान बेच के आना है। और हीरा चंद अब तेरे को तो मेरे साथ चलना ही है, मैं अकेले तो इतना दूर चल के नहीं जाने वाला। क्या घास खरा है? तो यार नेक्स्ट एपिसोड में हमको जाना ही पड़ेगा मार्केट में, जिससे हमको ये सारे चीज़ें बेच कर ये घर खरीदना है, जिससे ज़रा अपना भी बट पड़ेगा। तो गाइस इस एपिसोड के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग मार्केट जाएंगे और मैं आपको कल डायरेक्ट मार्केट ही मिलूंगा लगता है। कल तो नहीं, मतलब जब नेक्स्ट वीडियो आएगी हम लोग, हमको ये पीछे वाला घर खरीदना ही है, कुछ भी करके खरीदना है ये वाला घर। और ये हीरा चंद पे तो बहुत सारा सामान लोड है, इसको ज़रा धीरे ही चलेंगे, कहीं मर बुर गया तो बीच में बेहोश बेहोश हो गया तो मेरा तो ख़त्म हो जाऊंगा मैं। तो आज की इस वाले वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, और वीडियो कैसी लगी मेरे को कमेंट्स में बताओ। और